हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मलाई कोफ्ता की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको इसका टेस्ट पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्रेवी रेडी करेंगे। एक कढ़ाई को अच्छे से गर्म करें और इसमें 1.5 से 2 चम्मच तेल डालकर अच्छे से फैला दें। इसमें हम बटर डालेंगे, बटर हमेशा तेल डालने के बाद डालें। अब गर्म कढ़ाई पे डायरेक्ट बटर डालेंगे तो बटर जलने लगेगा, इसीलिए हमेशा पहले तेल डालें फिर बटर। पे बटर मेल्ट होने के बाद 5 से 6 चम्मच होगा उसके अप्रोक्स लिया है, आप अपने हिसाब से बटर डालें कम या ज़्यादा। अगर आपके पास बटर ना हो तो आप इसके जगह पे घी भी यूज कर सकते हैं। बटर हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया, अब इसमें हम खड़ा मसाला डालेंगे। 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 तेज पत्ता, 2 दालचीनी, लौंग और 1 चम्मच जीरा डालकर अच्छे से 1 मिनट के लिए फ्राई कर ले। इसमें प्याज डालेंगे। मैंने एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट कर लिया है। प्याज को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, एक बार इसे अच्छे से मिलाएं और साथ में हम हरी मिर्च भी डालकर फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। इसे हमें मीडियम फ्लेम में 1 से 2 मिनट के बस सोटे कर लेना, हमें प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करना है। अब इसमें हम लहसुन और अदरक डालेंगे, लगभग 2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक डालकर इसे अच्छे से मिला लें। इसे हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 1 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच जीरा। मैं यहाँ पे गरम मसाला ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने खड़ा गरम मसाला डाला था, आप चाहे तो इसमें 1/2 चम्मच ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिला दें और 1 से 2 मिनट के लिए बस सॉटे कर लें। मसाले को हम मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे, मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड किया है। इस बात का ध्यान रखें जिस क्वांटिटी का हम प्याज लेंगे उसके डबल क्वांटिटी का टमाटर डालेंगे। अब इसमें आप अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड करें। अब इसमें थोड़े से काजू ऐड करें और इसे अच्छे से मिला दें। काजू आप ज़रूर डालें, ये ग्रेवी के टेस्ट को इन्हेंस करेगा। अब इसे अच्छे से मिलाएं। टमाटर को हमें पूरा गलने तक नहीं पकाना है, जैसे ही टमाटर 50% लगभग पकेगा इसमें हम पानी डाल देंगे। टमाटर 50% लगभग पक चुका है, अब इसमें हम पानी डालेंगे। 1 कप पानी डालें और इसे अच्छे से मिला दें। अब इसे आप कवर करें और मीडियम फ्लेम में टमाटर और काजू के सॉफ्ट होने तक पकने दें। लगभग 7 मिनट हो चुका है, एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं टमाटर हमारा गला या नहीं। आप देख सकते हो टमाटर पूरी तरह से गल चुका है। अब आप इसका फ्लेम बंद कर दें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम कोफ्ते रेडी कर लेते हैं। कोफ्ता बनाने के लिए हमें सबसे पहले फ्रेश पनीर चाहिए, इसे मैंने घर पर रेडी किया है 1/2 लीटर दूध से। कोफ्ता के लिए हमेशा फ्रेश पनीर यूज करें। पनीर को मैश कर दें। अब इसमें हम सेम क्वांटिटी में आलू मैश डालेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि जिस क्वांटिटी का पनीर मैश हम लेंगे उसी क्वांटिटी का आलू भी। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे। अदरक आप अच्छे अमाउंट में डालें क्योंकि कोफ्ता में अदरक सबसे ज़्यादा लगता है। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे। अब मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ काजू डालेंगे। काजू ऑप्शनल है, आप अगर चाहे तो ऐड करें, नहीं तो स्किप कर दें। अब इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। अब इसे एक बार अच्छे से मिला दें, फिर इसमें हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर हमें ज़्यादा अमाउंट में यूज नहीं करना है, बस इसे बाइंडिंग के लिए हम यूज करेंगे। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालें और इसे अच्छे से मिला दें। बस
बट कॉर्नफ्लोर ज़रूर डालें। अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं डालेंगे तो कोफ्ते जब आप फ्राई करेंगे तो ये तेल में घुल जाएगा, इसलिए बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर ज़रूर यूज करें। आप बाइंडिंग के लिए अरारोट भी यूज कर सकते हैं। कोफ्ता का डो रेडी है। आप एक स्मॉल अमाउंट में कोफ्ता ले और एक दूसरे हाथ में ऑयल अप्लाई करके इसे अच्छे से रोल कर ले। इसी तरह हम सारे कोफ्ता रेडी कर लेंगे। आप कोफ्ते को मनचाहा शेप दे सकते हैं, राउंड या ओवल शेप में। अब इसे हम फ्राई करेंगे। कोफ्ते को हमें मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है। इस बात का ध्यान रखें जब भी आप कोफ्ता डालें तेल का हीट मीडियम ही रहे। कोफ्ते को आप एक बार में कभी ना डालें, उसे एक एक करके आप डालते जाएं। एक बार में बहुत सारा कोफ्ता ना डालें, अपने कढ़ाई की साइज के हिसाब से कोफ्ता डालें जिससे आप इजीली कोफ्ते को मूव कर सके। कोफ्ते को हमें मीडियम फ्लेम में दोनों साइड गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आप इसे बहुत जेंटली मूव करें। कोफ्ता फ्राई हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सारे कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। सारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं और हमारा ग्रेवी भी ठंडा हो चुका है। अब उसे ग्राइंड कर लेते हैं। अब सारे ग्रेवी को जार में डाल दे। ग्राइंड करने से पहले आप उसे तेज पत्ता निकाल दे। ग्राइंड हो चुका है, अब इसे हम छान लेंगे ताकि जितने भी टमाटर के छिलके और मसाले के रेसे हैं वो निकल जाए। अगर आपको छानने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप इसमें पानी ऐड करके छान लें। ग्रेवी हमें स्मूथ और क्लीन चाहिए। कढ़ाई को अब मीडियम फ्लेम में गर्म करें और उसमें एक चम्मच तेल डालें। अब इसमें हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे, इसे अच्छे से मिला लें। अब इसमें हम ग्रेवी डालेंगे जो हमने छान कर रखा है। चिली हमने बस कलर के लिए यूज किया है। अब अगर आप नहीं चाहे तो इसे स्किप कर दें। जब ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी तब इसमें हम कुकिंग क्रीम ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 3 चम्मच कुकिंग क्रीम ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास कुकिंग क्रीम ना हो तो आप दूध के मलाई को ग्राइंड करके यूज कर सकते हैं। अब इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। नमक डालने से पहले ग्रेवी को आप जरूर टेस्ट कर लें, उसके बाद डालें। इसमें अब आधा चम्मच चीनी डाल दें। चीनी ऑप्शनल है, आप ना चाहे तो इसे स्किप कर दें। अब इसमें हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला दें। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम और पका लेंगे। जैसे ही थोड़ी ग्रेवी गाढ़ी होगी इसका फ्लेम हम बंद कर देंगे। ग्रेवी रेडी हो चुका है, अब गैस बंद कर दें। अब कोफ्ता को हम सर्व कर लेंगे। पहले एक प्लेट में कोफ्ता रखें और उसके ऊपर से गरम ग्रेवी डालें। मलाई कोफ्ता को जनरली इसी तरह सर्व किया जाता है। मलाई कोफ्ते को आप डायरेक्ट ग्रेवी में भी डाल सकते हैं, बट उबलते हुए ग्रेवी में ना डालें, नहीं तो कोफ्ता पूरी तरह से घुल जाएगा। गैस बंद कर दें, फिर ग्रेवी में कोफ्ता डालें। बट मलाई कोफ्ता को इसी तरह सर्व किया जाता है तो आप इसी तरह सर्व करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मलाई कोफ्ता हमारा रेडी है। आप इसे गर्म पराठे, रोटी या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे।
मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।